कुछ विकल्प जनता के पास लोग हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है आज के संदर्भ में जो हम लोग जनता मंदिर पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सारे संगठन के लोग चाह रहे हैं कि भाई किसानों का किसान आयोग का गठन किया जाए जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। भाई हम किसान गेहूं धान सारी फसलों को पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, लेकिन हमें कोई लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। खादे सिंचाई लेबर इतना कास्ट आ जाती है तो हम लोगों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और किसान के लाभकारी मूल्य के लिए सरकार भी चित घोषणा कर रही है और आप लोग और मीडिया सबका सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन उचित में अभी बारिश हुई सारी फसल धान की और गन्ना सब गिर गया, सारा किसान को नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं उसमें सड़ जाएगा धान काटते काटते जब पकेगा तो मिल क्या रहा, कुछ नहीं। तुम्हारी मांग है कि हमारा जब आयोग होगा हमारे आयोग में हमारा किसान और मजदूर भी उसके अंदर आयोग में सदस्य हो, ना कि ISPCS बना दोगे आप तो क्या होगा, ऊपर से थोप दोगे उसे क्या पता निचले स्तर पर कि किसानों की दिक्कत क्या है, मजदूर को असली दिक्कत क्या है। तो मेरा संगठन मांग रहा है कि हम लोगों की एक प्रमुख मांग है कि हमारे संगठन का कि एक आयोग का गठन हो मजदूर भारतीय मजदूर किसान संगठन के नेतृत्व के तले, दोबारा सरकार गठन करे आयोग का, उसमें हमारे संगठन के लोग रहें, हमारे मजदूर संगठन के लोग रहें और हमारे माताएं बहनें उसमें परिवार के लोग रखे जाएं। उनका दुख पीड़ा तो पता चले कि क्या है, किसान के बच्चों के और परिवार के दुख दर्द कोई पूछने वाला है, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा कितना खर्चा लगता है। अच्छा किस तरह का किसान उसमें, किसान की अगर बात करें तो किसान जो है अगर बात करें तो मेरा मानना है किसान 2000 रुपये अभी मोदी जी ने दिया था 3-4 महीने पहले जो स्टार्ट किया था वो मिल नहीं रहा क्या आपको, जो साल का था उससे कुछ ही किसानों को। देखिए मैं किसी घोषणाओं का उसका आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चुनावी वर्ष में घोषणाएं की जाती है राजनीति में और मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी किसी कार्य की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये निचले स्तर तक तो जाए। एक चुनाव हुआ उन्होंने घोषणा कर दी मतलब लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। सबसे ज़्यादा तो आज भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गया है भाई साहब। कोई भी आदमी किसान आदमी जाता है तहसील में, चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस का हो, हर जगह मेरी समझ नहीं आता है वो लोग भी तो हमारे बीच से जाते हैं और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया मैं समझ नहीं आता। आदरणीय मोदी जी को मैं सब संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ तब भी आखिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं समाप्त हो पा रहा है। तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि वो 2000 रुपये जो स्कीम चालू हुई थी साल के 6000 पूरा सभी को नहीं मिल रहा है, अभी सभी को नहीं मिला है। मेरे ख्याल से कितना किसान यहाँ बैठा हुआ क्या किसी को 2000 रुपया मिल रहा है, 3000 जो आप कह रहे हैं वही सही है, सभी को नहीं मिला है। लोगों को मैंने अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को मिला होगा, सरकार की योजना होती है उसका फायदा मिला होगा कुछ लोगों, लेकिन मेरा कहने का मकसद है मैं चाहता हूँ जब एक आयोग बनेगा हमारे किसानों के बीच का हमारा भाई हमारा हमारी माताएं बहनें हमारे उसमें बच्चे भी उनसे भी सुझाव लिया जाए कि भाई आपको क्या दिक्कत हो रही, आप पढ़ रहे हो प्राइमरी स्कूल में, आपको आगे करना क्या है, कोई अच्छी से उसमें जाना है कंपटीशन में तो क्या है, कुछ नहीं व्यवस्था है, कहने के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। जब अगर बात करें देश की बात, अगर जिस तरह से देश में हालात है तो कभी कश्मीर को लेकर कभी लिंची को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर जाते हैं कि बाहर अभी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर जाके अगर बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं देश में अमन और चैन की है। देश में अमन चैन तो है इस सरकार के आने से, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अमन चैन है लेकिन जो सुख संपत्ति आनी चाहिए किसान के घर के अंदर वो अभी दूर है, उसके लिए उनको मेहनत करनी चाहिए और निचले स्तर पर देखना चाहिए, उस स्तर पर देखना चाहिए जहाँ पे गरीबी है किसान के घर में, दो टाइम पर उसका चूल्हा नहीं जल पा रहा है, अभी आंधी तूफान में सारी फसल नीचे गिर गई है पानी में, सब त्राय त्राय हो रही है, ठीक कैसे होगा इसका कोई हल है आपका? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरा किसान आयोग का गठन किया जाए और उस आयोग में हमारे सबकी भागीदारी हो अगर सरकार किसानों की आपकी तो। अब सरकार से देखिए सरकार से तो हम आपके माध्यम से क्यों नहीं सुनेगी, इतना बड़ा राष्ट्र है इतना बड़ा देश है, किसान के ही बूते में तो सारा देश चल रहा है, सारे आप लोग हम लोग सब लोग आप लोग किलो प्याज हो जाता है तो सरकार तो किसान को कितना पैसा मिलता है, मैं किसान से घर में इतने लोग किसान आए हुए हैं किसको 80 रुपये मिल रहा है, किसके घर में 10 क्विंटल प्याज रखा हुआ है इस वक्त, मैं कह रहा हूँ कि अगर 80 रुपये ये बिचौलियों के पास चला जाता हम किसान सब लोग फसल बोते हैं और सब मंडी चली जाती है, मंडी वाले फिर उसको व्यापारियों में उसको ये लोग भंडारण करते हैं और आज रेट किसान को थोड़ी 80 रुपये किलो मिल रहा, किसान को तो वही 2-4 रुपये मिल रहा है,
उसका उसका पसीने की भी कीमत नहीं मिल रही, उसके जो पसीने की कीमत है खेत के अंदर वो उसको नहीं मिल पा रही है। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सुनीता चौधरी है और सरकार से आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। देश हमारा 150वीं जयंती मना रहा है महात्मा गांधी की, क्योंकि जो चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो ना किसानों का एक आयोग का गठन किया जाए। किसान जब लोन ले लेता है अपनी फसल उगाने के लिए तो कई बार होता है फसल नष्ट भी हो जाती है, तो उसका जो है ना सरकार दबाव डाल देती है। किसान लोन लेता है जी हाँ। और आपको पता है कि दिल्ली का आंकड़ा कितना है कि कितने किसान डेली जो है सुसाइड करता है? लोन ले लेता है फिर सरकार उसमें दबाव डालती है तो किसान क्या करेगा, तो कितने मजबूर हो गए आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली का आंकड़ा कितना है कि कितने किसान जो आत्महत्या कर लेते हैं? अभी तो पूरे उसको देखा जाए ना कम से कम मतलब ये जो है ना 50% जो है ना अब आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोग 50% पूरे देश में। आपका शायद आपको ये पता नहीं है कि दिल्ली का लगभग लोग 6 जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं आज के रोज की अखबारों में खबर छपती है आपके माध्यम से ही पता चलता है हम लोगों के किसानों के किसान का मुद्दा आज यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। क्योंकि किसान जो अगर जैसे किसान के प्याज पैदा हुई खेत में तो किसान से जो प्याज है वो 10 रुपये किलो का खरीद ली जाती है और अगर यहाँ पड़ी रहेगी तो इतना बड़ा किसान पैसे वाला तो होता नहीं जो अपना खुद का गोदाम बना ले, वो गोदाम में जमा करता है और वही किसान जब उस प्याज को खरीद कर लाता है तो उसका रेट 50 से 80 रुपये किलो तक हो जाता है। तो अब किसान गन्ना बोता है अब वहाँ मिल पे डालता है तो जो सोसाइटी है मिल की सोसाइटी है वो एक साल तक किसान का पैसा नहीं देती और जो सोसाइटी मिल वाले हैं वो उसका ब्याज का पैसा खाते हैं। यहाँ पर रोड टैक्स है, अगर कुछ भी हम लेने के लिए जाते हैं तो GST लग जाता है, खाना खाने जाते हैं तो GST लग जाता है, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो GST लग जाता है। मोदी साहब तो काम अच्छे कर रहे हैं, मोदी साहब काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन मोदी साहब जो है ना जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत जो युवाओं के लिए जो कैंप लगाए गए थे और जगह जगह कैंप लगाए लेकिन उसका जो फायदा है ना वो पढ़े लिखे लोग ही उठा पाते हैं, सारे किसान लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बैंकों में जाते हैं तो कहते हैं पैसा जमा करने जाते हैं कहते हैं जी वो मशीन लगी हुई है मशीन में जाओ, अगर कहीं पैसा निकालने जाते हैं तो कहते हैं जी ATM लगा ATM में जाओ। बहुत सारे किसानों को जो आता ही नहीं है वो कैसे निकालेंगे पैसा कैसा जमा करेंगे। तो जब से ये मशीनरी सिस्टम आया ना तब से हमारे किसान लोग बहुत परेशान हैं, पहले हल चलाते थे। प्रधानमंत्री खुद ही जो है डिजिटल इंडिया की बात करता है तो डिजिटल इंडिया से तो आज इतना किसान के लिए ऐप चलाते हैं। अगर डिजिटल इंडिया तो तब बनेगा जब हमारे किसानों किसान खुशहाल होगा। अब किसान तो भूखा प्यासा है, किसान को अपनी फसल का जो रेट होता है वो तय करने का भी अधिकार नहीं है। जो पूंजीपति लोग हैं वो किसानों की फसल का वहाँ पे रेट तय करते हैं कि किस रेट में खरीदा जाए। अब हमारा किसान अगर सुखी होता तो यहाँ क्यों सड़कों पे आते हैं, हम लोग सब अपने घरों में रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जो यहाँ मांग जो आप लोग कर रहे हो किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार आपके माध्यम से हमारी आवाज़ को सुने, हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना करे। जो है अगर आप बात करें आप जेन्युइन लग रहे हैं एक हमसे क्या है हम यहाँ हमारा नाम राम कुमार तिवारी है, हम यूपी में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं जी और हमारे यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आप किसान खेतिहर किसान हैं कि हम यहाँ रैली के अध्यक्ष रैली के संचालक हैं वहाँ से भारतीय किसान मजदूर दलित यूनियन। हमारे यहाँ की मुख्य मांग हमारी लोगों की ये है, सबसे बड़ी विकट समस्या है आज तक हमारे देश में जो प्रदेश में जो है गाइयाँ सब छुट्टा चल रही हैं, सांड बराबर दौड़ रहे हैं चल रहे हैं, हम केवल किसान हैं, हमारे वहाँ इसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। गाय को आप सांड को इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जिस बात के जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर तो गाय को और जो है सांड को देवी देवता की तरफ पूजा जाता है। तो देवी देवता तो माना जाता है लेकिन इसके पहले इतने नहीं थे, अब ये कह रहे हैं कहीं कह रहे हैं जेल में हम खुलवाएंगे गौशाला, कहीं कह रहे हैं कहीं गौशाला खुलवाएंगे। हमारे पास 8 एकड़ जमीन है और पूरी जमीन कोई बटाई लेने को तैयार नहीं है, तो मतलब ट्रैक्टर घर पर खड़ा है मतलब और जगह जगह खरीदे हुए खेत हैं तो उनमें कुछ हो नहीं पा रहा है। हमारे यूपी की सबसे विकट समस्या ये है
कि हमारे यहाँ जानवर बहुत छुट्टा है जिनका आज तक कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के संगठन या किसी नहीं, हमने कई जगह रखा अपने तहसील की जो मीटिंग तहसील स्तर की मीटिंगें हुई सिदौली तहसील में उसमें रखा, और जब ये आश्वासन देते हैं कोरे, अभी हमारे यहाँ एक बना है गौशाला तो उसमें वो अपनी गायें पाल रखे हैं, बाहर की गायें उसमें लेते नहीं हैं। जानवर बहुत ज़्यादा छुट्टा है जिससे हम लोगों की खेती कोई बटाई लेने को तैयार नहीं है, ये दशा हो गई है जानवरों की वजह से। हमारे गांव में जब हम सुनारी गांव के रहने वाले हैं सितरसोई ग्राम सभा तहसील सिरौली के, आप ये समझ लीजिए कि 200 जानवर छुट्टा है और जिधर निकल जाते हैं 10-5 एकड़ जमीन इस वर्ष हमारी हम लोगों की परती पड़ गई। अब उसमें अगर आरी वाला तार लगा दिया जाता है उस पर प्रतिबंध किए हैं, वो भी प्रतिबंध कामयाब नहीं है, और जो लगाते हैं उससे जानवर कट जाते हैं तो इससे बड़ी क्षति होती है, किसान बहुत परेशान है। हम दूसरे को क्या बताएं, हम स्वयं सोचते हैं कि खेती बेकार है, खेती को क्या करेंगे, जब हम बोते हैं खाद पास डालते हैं एक रात में चूक जाते हैं तो जानवर सब खा जाते हैं। रात रात किसान चिल्लाता है, टार्च लगा करके खेतों पर दौड़ता है, फिर भी फसल नहीं बच पा रही। बस हमारा मुख्य यही कहना है योगी जी से, आप लोगों के माध्यम से हमारा ये पहुंचाया जाए कि गायों और जानवरों के ये जो छुट्टा घूम रहे हैं इनकी व्यवस्था की जाए, अगर वो व्यवस्था करना चाहें तो कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि वो जो है कर रहे हैं आप ही लोगों के छुट्टा हैं, चलो हम लोगों के छुट्टा हैं तो उन पर अंकुश लगाइए, अंकुश लगाने के कई तरीके हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।